इस समय देश की राजनीति का चाणक्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह को कहा जाता है। आज के समय में कहा जाता है कि देश की राजनीति में हर असंभव को संभव करने में अमित शाह सक्षम है। गुजरात से होते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले अमित शाह को पुरानी बातें याद करने के लिए भी जाना जाता है। अमित शाह राजनीति में कुछ भी नहीं भूलते, भले ही वो बयान उनकी पार्टी के नेता दे या विरोधी पार्टी के नेता दे। अमित शाह उस बयान का समय आने पर बखूबी जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले अमित शाह पूरी तैयारी कर लेते हैं और फिर उस बयान का जवाब देते हैं और फिर बयानवीर नेता चारों खाने चित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अमित शाह ने बयान बादशाह अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया है। जो अरविंद केजरीवाल कभी अपने नेताओं की ईमानदारी की दुहाई देते नहीं थकते थे, आज उन्हीं केजरीवाल के मंत्रिमंडल के दो प्रमुख सिपाही सरकारी मेहमान बन गए हैं। आखिर क्या चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को? किस पुराने ट्वीट की चर्चा अब गर्म है सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद? इसको लेकर अमित शाह से कैसे जोड़ा जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस खबर में। सिसोदिया से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भी पिछले साल से ही जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और अब तक उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का 5 साल पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा गृह मंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेकर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने की चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल ने 10 जून 2018 को ट्वीट करके ये चुनौती दी थी। उन्होंने लिखा था कि सीबीआई अमित शाह को सीधे रिपोर्ट करती है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि नए केस दर्ज करने से पहले कृपया हमारी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे इतने सारे केसों के बारे में बता दीजिए। नए केस शुरू करने से पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो जेल भेज लो। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। केजरीवाल ने इशारों में आरोप लगाया था कि सीबीआई बीजेपी के इशारों पर काम करती है। अब जब ये दोनों गिरफ्तारियां हो चुकी है तो ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों कथित कट्टर आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को जेल भेजकर उनकी मुरीद पूरी कर दी है। वहीं केजरीवाल के इस ट्वीट को रिट्वीट कर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा कि केजरीवाल जी, आपने इशारा करके जो मांग की थी उसे पूरा कर दिया गया है। अगर आगे भी कोई तमन्ना हो तो बस एक ट्वीट कर दीजिएगा, आपके रास्ते के कांटों को दूर कर दिया जाएगा। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल ने ही मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में फंसवा दिया है, क्योंकि सिसोदिया ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। ठीक उसी तरह जिस तरह केजरीवाल ने अपने सारे पुराने साथियों को निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।